और अभी सर्विस हो चुकी है, अब देखते हैं कि स्टार्ट कितने किक पे होता है। अभी पहली पे होता है, दूसरी पे होता है, दसवीं पे होता है। और पीछे मेरे देख सकते हैं इम्तियाज मेगा दमदमा की तरफ पे, ये गिजरी स्टॉप है भाई, सारा गिजरी स्टॉप, गिजरी स्टॉप। यह गाड़ी बनवाने आए हुए हैं नज़ीर साहब भी हमारे पास हैं, एस के भी के मैकेनिक नहीं आ रहा यार, दो घंटे वेट कर लिए बैठ बैठ के। नींद भी सुबह मैंने नहीं की, नींद भी आ रही, इतवार का दिन है, कुछ समझ नहीं आ रही अभी ये कि बंदा क्या करे क्या ना करे, गर्मी भी है, नाश्ता वगैरह भी खास नहीं किया, पेट्रोल के अभी चेक करवाने आया हूँ। अब ये कोई और काम से गए हमें छोड़ के, अभी तक मैकेनिक ही नहीं आया। उन्होंने बोला मैकेनिक आया हुआ, भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, हम जल्दी जल्दी भाग के आ जाए, मैकेनिक ही अभी तक नहीं बैठे हूँ बैठे। गाड़ी को हमने ये तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, देखो तारे वगैरह तोड़ दिए हमने, तो भाई अभी हम दोहर के नमाज पढ़ने जा रहे हैं करीबी मस्जिद से, डी एच फेज़ वन का इलाका है, अच्छी जगह है, अपार्टमेंट अच्छे बने हुए हैं और बैंगलोर हैं, सफाई भी है। मस्जिद अबुल कासिम है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत के नाम पे मस्जिद बनी हुई है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये टैंकी लगी हुई है, टैंकी के नाम से मशहूर है ये। देखें ये हालात है, नमाज़ पढ़ के मिलते हैं आपसे। तो भाई आज जो इस बार है 17 सितंबर है, कारपेंटरिंग का काम चल रहा है और कारपेंटर आया हुआ है हमारे कॉलेज वाला, यानी कि एस के बिजट वाला, तो काम वगैरह चल रहा है फिलहाल, देखा भी हम कारपेंटर का है, पैक कैमरा छुप छुपा के, तो काम वगैरह हो रहा है, किराएदार करवा के दे रहे हैं। ये नेट वगैरह लगा दी हमने उनको, नेट वगैरह लगा दी, वाइट कबूतर। यार लैपटॉप ऑफिस आया हूँ यार, कोई कुरियर करवाना है, कोई वॉच किसी को भेजनी है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। वॉच का रेट इतना नहीं है, लेकिन देखते हैं इनकी क्या चार्जेज होते हैं, चार्जेज वैसे ज़्यादा तो होते हैं इनकी लैपटॉप में फेस 4। वॉच भिजवा दिए जी, 380 लगे हैं तकरीबन, बिगिनिंग मेरे ख्याल से यही चल रहा है, वेट तो कोई था नहीं उसका, बोल रहे हैं कल पहुँच जाएगी 7 बजे तक, मेरे ख्याल से इनकी शिपमेंट ऑफ हो जाती है, 7 बजे जाता फिर ये है कि कल दोबारा गाड़ी आती फिर पिकअप करती, इस वजह से टाइम नहीं कर रहा। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है, आज जुम्मे का दिन है और ये कि आज असर का टाइम है, अब्बू कहीं गए हुए हैं, तो ये है कि हमने पैसे ले लिए अब्बू से, भाई इसको मैंने भेजा भाई पैसे कोई लेके आओगे समोसे पकौड़े खा लें, हल्की फुल्की भूख लगी हुई है, तो 110 रुपये लेके आ गया जर्सी इंसान, 2022 में 110 रुपये लेके आ गया खाने के लिए, वेल डन। तो 110 में हमने सोचा, जितना सोचा जितना सोचा, सोच सोच के दुनिया ये पार कर दी, 110 में कुछ आ नहीं रहा था, समोसे लेते हैं तो समोसे ये 4 आ रहे हैं, बंदे 5 बैठे हुए, 6 बंदे तकरीबन, और ये कि अगर मैगी लें तो 2 मैगी आ रही हैं, तो कुछ भी नहीं बन रहा, यानी कि कोई किसी हिसाब से भी नहीं बन रहा। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब, तो मैंने अपने 50 रुपये मिले हैं, अब ये कि ये मंगवाया मैं, इधर देखो कसी इधर, ये देखो ये 3 मंगवा लिए, चौथे ये रहा, मैं आपको दिखा रिव्यू करना, समोसा कहाँ से आ गया वे, ये 20 रुपये के पकौड़े, लोग सो जाएंगे इतनी देर लगाओगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो दिमाग ये क्या व्लॉग बनाएगा, लोग भाग जाएंगे अनसब्सक्राइब करके जितने भी लोग होंगे। फिर ये कि मैंने 50 में लाया पकौड़े, पता नहीं कहाँ से लाया पकौड़े, ये मैंने मंगवा लिया, मैंने बोला 10 रुपये इसी पैसा कर लूँगा, कितने की मिले 50 की, ये तो छोटी 60 की मिली है, 20 रुपये कहाँ दे दिए उसको, 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये रहते हैं उसके कुछ नहीं रहते ना, ठीक है बेहतरीन ये भी कर लिए, एक इंजॉय वगैरह छोटा छोटा करते रहते हैं, अभी एक सख्त खुश हैं, अभी एक बहुत खुश हैं, अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तुम दोनों का भाई पकड़ो, काट हो जाओ, ये आपका वाला, मैं अपने लिए मंगवाई, ये तुम दोनों का, वे तुम दोनों पकड़ो, वो इधर दिखा, वे तुम दोनों का पूरा रहता है भाई, इधर इधर दिखा, ये मेरा है, ये मेरा अपना पैसा अलग नहीं मिलाए थे,
पकोड़े खिलाओ इधर हमें। मैगी क्या ये देखो इंसाफ है, मैंने 50 नहीं मिलाया था क्या? 50 मिलाया था। हाँ 50 मिलाया, मैंने भी 40 मिलाया। तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? बहुत बड़ा एहसान, इसको देखो ये सिर्फ मेरा है। ये सिर्फ मेरा है, दिस इज माई पोयो ऑयल। और पीछे मेरे देख सकते हैं इम्तियाज मैगा दमदमा की तरफ से, तो किस काम से आया हुआ था दमदमा की तरफ। और ये कि वापसी में सोच रहा हूँ फिर बाइक की सर्विस कर रहा था जब, क्योंकि जब मैंने कवर उतारा तो बहुत गंद नज़र आ रहा है मुझे, हालत खराब नज़र आ रहा है बाइक की। तो इसी से मैं कहता हूँ कि सर्विस करवा था जब, इधर आकर चक्कर लगाता हूँ और सर्विस स्टेशन खुला हो तो सर्विस वगैरह करवाते हैं बाइक की, फिर देखते क्या सीन था। फिर मजीद जैसे मैं खुद भी साफ़ कर लूँगा, उधर सर्विस अलाउ नहीं, उधर मैं खुद कर लेता था, उधर उसने बोला भाई सर्विस अलाउ नहीं डीजे वालों ने कहा, तो फिर मस्कन चल बन गई। गिदिरी स्टॉप है भाई सारा, गिदिरी स्टॉप इसका नाम पूरा गिदिरी स्टॉप है, पता नहीं और क्या नाम है इसका। और लोकेशन सारी यही है, इधर देखिए सारी दुकानें बाइक वगैरह की। इस तरह शॉर्टकट मारा है मैंने दमदमा से, आगे ये है कि पंप पे आएगा चेक करते हैं सर्विस होती थी बाइक की, खुला हो तो करवा लेंगे अगर आसानी से हो कम पैसे में हो, वरना फिर कश्मीर करने जाना पड़ेगा, उधर 200 की होती है, हमारी तरफ शैल के पंप पे नहीं होते, टोटल पेट्रोल पंप बड़ा है उधर भी नहीं होती, इधर ही होती है। तो इधर चेक करते हैं फिर सर्विस अगर हो तो ठीक, वरना ये काम तमाम करते हैं। ये है भाई पंप, शैल का पंप है मेरे ख्याल से, यहाँ देखते हैं सर्विस स्टेशन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। ये सारी पंजाब करोनी के ब्रिज जा रही है ऊपर से जो जा रही है, इधर रोडें बड़ी खस्ता हाल हैं, क्या कह सकते हैं, रोडों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। तो भाई पंप पे आ गया हूँ, मैंने पता किया रेट तो वही 200 ही है, ऊपर साफ कर देंगे अच्छी तरह, बाकी मैं खुद जाके साफ कर लूँगा कपड़ का दंग वगैरह, क्योंकि मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ आपको भी दिखाता हूँ मैं मटेरियल जाके। वो बोल रहे पीछे विगो धुल रही है, बोल रहे विगो के बाद ही धोएंगे जितनी देर उसको लगे। मैंने बोला मेरा भी कोई बिजनेस नहीं है, मैंने झट जाके कोई ये कि बिजनेस नहीं करना, तो ये कि कर लेते हैं फिर इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ घूम फिर लेते हैं अगला बुक्का, नाश्ता तो बाहर का नहीं करता, नाश्ता तो घर जाके ही करूँगा। ये देखें ये सूरत हाल है इधर की, ये सामने पंजाब करूँगी ये बिल्कुल सीधा, और ये पंप है जल का, और ये पंजाब करोनी के ब्रिज है, ये सारा गिजरी स्टॉप है, ये गाड़ियों की वर्कशॉप है सारी, यानी गाड़ी को तमाम काम इधर होगा। ये विगो धुल रही है भाई, ये जितनी देर में दिलेगी उतनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। पैसे देख लिया है मेरे पर 200 पड़े हुए कि नहीं पड़े हुआ, ऐसा ना हो बाद में पैसे मांगे और पैसे ही ना हो। वेल डन, ये सूरत हाल है भाई बाइक की, 1947 की लग रही है, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था ना, दंग दंग लग चुका है सारा, पीछे भी दंग है, इधर भी दंग है, इधर भी दंग है, अंदर भी दंग लग चुका है, इधर देखो ये दंग पड़ा हुआ था। हाँ तो अभी सर्विस हो चुकी है, अब देखते हैं कि स्टार्ट कितने किक पे होता है, अभी पहली पे होता है, दूसरी पे होता है, दसवीं पे होता है, क्योंकि बाइक कुछ ना कुछ बिखर जाते हैं, स्टार्ट नहीं होते, ट्राई करते हैं अभी पहले किक पे हो जाए तो मतलब खाता इसका सही है, वरना सही है कि खाता क्लियर नहीं है, यानी कि कोई ना कोई लीकेज वगैरह इसकी है, देखते हैं। मीटर वाटर प्रूफ नहीं है यार, मीटर में पानी चला गया, इसके साथ कितने छेड़छाड़ मेरे ख्याल से की होगी। स्टार्ट हो गया अभी पहले किक पे, चलते हैं घर पर, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर रंग वगैरह इसका उतारते हैं, मैं दिखाते हैं आपको। यार कुछ बात हुआ दुख हुआ, इधर देखो इंडिकेटर जो है ना नहीं चल रहे, मैंने चेक करवाया, वो बोले बैटरी सही है, ये उड़ गए हैं, बोरे एल ई डी उड़ गई हैं, इसके अंदर पानी भी गया हुआ कुछ हद तक, तो ये बड़ा अफसोस हुआ यार मुझे, महंगे लिए थे काफ़ी, हॉर्न हल्का हल्का चल रहा है लेकिन ये बिल्कुल नहीं चल रहा, डायरेक्ट भी नहीं चल रहा, इनडायरेक्ट भी नहीं चल रहा, तो इस बात का भी अफसोस है। दूसरा स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, यानी कि हल्का हल्का चल रहा था, मैंने उसको बोला भाई क्या मसला हो सकता है, उसने चेक किया बोला वायर ख़राब है, वायर पे निकाल भी दी उसने, और अब डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल नहीं चल रहा, तो मैकेनिक ने ये भी गलत काम किया, वायर डलवाएंगे देखते हैं क्या सीन है, लेकिन एक कुछ बात होगा अफसोस कर सकते हैं आप।